जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, भगवान की विशेष कृपा, विशेष दया दृष्टि तो हर मनुष्य चाहता है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं विशेष कृपा हो जाती है वो तो धन्य हो जाता है। उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे परम आनंद मिलता है, आनंद नहीं परम आनंद मिलता है। तो प्रेमी भक्तों, अब भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो प्यारे भक्तों, केवल एक काम करने मात्र से ही भगवान तो विशेष दया कर देते हैं। वैसे तो उनकी कृपा तो हर मनुष्य पर समान रूप से हर पल बरस ही रही है, निरंतर बरस रही है। जैसे बोलते हैं ना कि परमात्मा की दया की निरंतर अनवरत वर्षा हो रही है हर प्राणी पर। इस वर्षा की शीतल सुधा धारा का आनंद उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता। हो तो रही है सब पे, लेकिन मिलता उन्हीं को है जो केवल ये एक काम कर देगा। और एक काम क्या है? एक काम है कि जो मनुष्य भगवान की शरण हो जाते हैं और शरण होकर उन दया में की दया के तत्व को समझ जाता है कि भगवान कितना दयालु है, उसे कृपालु यूं ही नहीं कहा जाता, वो वास्तव में कृपालु है। वो इतनी दया करते हैं हम पे ए कारण की दया करते हैं। जो मनुष्य इस बात को समझ गया तो वही उस अनवरत वर्षा रूपी अमृत को पाकर आनंद नहीं परम आनंद भोगेगा और उसी को सब कुछ प्राप्त होता है। तो प्रेमी भक्तों, दया की ऐसी अनवरत बारिश होते रहने पर भी उनकी दया का प्रभाव न जानने के कारण मनुष्य लाभ नहीं उठा सकते। कई कई तो लोग अपनी मूर्खता के कारण छाता लगा लेते हैं और कोई कोई तो मकान में घुस जाते हैं। कभी कभी परमात्मा की विशेष दया से पूर्व पुण्य पुंज के कारण उनके प्रेम प्रभाव गुण और रहस्य की अमृत रूप कथा बिना चाहे और बिना चेष्टा किए स्वतः ही आ प्राप्त होती है। उसके तत्व को नहीं समझने के कारण उपेक्षा करके जो मनुष्य चला जाता है उसका अमृत रूपी वर्षा से भागकर घर में घुस जाना है। और कथा में उपस्थित रहकर जो आलस्य और नींद लेता है वह अपने ऊपर छाता लगा लेना है। तो प्रेमी भक्तों, इस दयालु कृपालु ईश्वर की कृपा के बारे में और क्या कहा जाए। इतने कृपालु हैं वो, लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए सरेंडर कर दो, पूर्णतः उसकी शरण हो जाओ, फिर देखो तुम्हें क्या आनंद आता है। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।